हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ईटेक कंप्यूटर एजुकेशन में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फोर्थ चैप्टर, जिसके अंदर हम बताने वाले हैं आपको चार्ट और इंसर्ट का टोटल मेन्यू। रिसेंट वीडियोस में हम आपके लिए लेके आए थे MS Excel का एक पिवोट टेबल और उससे पहले होम वाले सारे के सारे ऑप्शन। उसी तरह से हम इसी सारी वीडियोज़ आपके लिए स्टेप बाय स्टेप लेके आ रहे हैं। अभी एक रिसेंट में चैप्टर था हमारा पिवोट टेबल का। पिवोट टेबल के अंदर डेटा को एनालाइज किस तरह से करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने उसमें देखी थी। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियोस में आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आती है तो कमेंट्स भी आते हैं उन सब चीज़ों के, और रिप्लाइज भी हम उनके देते रहते हैं। तो देखिए किस तरह से हम इन ऑप्शंस का यूज़ करेंगे और वीडियोस पे अंत तक बने रहिएगा। एक्सेल ओपन करते हैं, विंडो आर प्रेस करके एक्सेल टाइप करें। जैसे कि कोई भी एक शीट ओपन कर लेते हैं हमेशा की तरह। जैसे यही शीट है हमारे पास में, ठीक है। इसमें हम आ जाते हैं इंसर्ट मेन्यू के अंदर। टेबल का हमने लास्ट टेबल में उसने बताया था लास्ट वाली वीडियो में कि हमने टेबल किस तरह से यूज कर। ये टेबल का जो सिस्टम होता है, टेबल एक्चुअली जो ये रो एंड कॉलम्स होती हैं हमारे पास में, इन दोनों को मिलाने के बाद में जो चीज़ें बनती हैं उनको ही हम टेबल कहते हैं। रो और कॉलम का कंबाइंड पार्ट्स जो होता है उसको हम कॉलम ही कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कई चीज़ें हैं ऐसी, जैसे कि एक ऑप्शन इन्होंने अलग ही दिया हुआ है ये टेबल का, मतलब इसको आप टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं कंट्रोल टी के द्वारा, ठीक है। अब आपकी ये टेबल है ये इसी तरह से कंटिन्यू चलती रहेगी। यदि आपने देखा हो इसको आप सिलेक्ट करो और कंट्रोल टी दबा के इसको ओके कर दो, ठीक है। अब ये वाली कॉलम तो आपकी ऊपर चलेगी और ये हमारी ऐसे कैसे यहीं रह जाएगी, मतलब इसको आप टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं टेबल के द्वारा। और इसका एक ऑप्शन और भी, कई बार हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और हमारे पास में डेटा होता है तो हम इसको टेबल फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आ जाएंगी और आप डीजी से आराम से इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। ये ऑप्शन है हमारे, आज हम इस इलस्ट्रेशन का यूज़ करेंगे। जो भी हमारे पास में ये पांच चीज़ें हैं, सबसे पहला आता है पिक्चर। यदि हमें कोई एक पिक्चर लगानी है तो आप इस पिक्चर का यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। सपोज जैसे ये एक हमारे पास पिक्चर है, आपने शीट पे लगानी है तो आप इसको कहीं भी किसी भी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। साइज छोटा बड़ा करना है तो आप कर सकते हैं। आपने एक चीज का नोटिस किया होगा, जैसे ही आपने एक पिक्चर इंसर्ट की तो पिक्चर इंसर्ट करने के साथ ही एक ये फॉर्मेट बार एक्टिव हो गया हमारा। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जैसे भी कोई हम इंसर्ट की वीडियो, मतलब इंसर्ट यूज करते हैं उसमें वर्ड आर्ट वगैरह ये सब चीजें, तो हमारा ऑटोमेटिक एक फॉर्मेट बार एक्टिवेट हो जाता है। इसी तरह से आप इसको फोटोज को इस तरह से इसको डिजाइन करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। 3D इफेक्ट दे सकते हैं, रेक्टेंगल सर्कल, ठीक है। फिर उसके बाद पिक्चर पर बॉर्डर का कोई कलर कैसा देना है वो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। शेडो रिफ्लेक्शन उसका, वो सब इस फॉर्मेटिंग बार में आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसको क्लोज कर दीजिएगा, वापस से आ जाइएगा क्लिप आर्ट पे। क्लिप आर्ट एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम इसकी मदद से कुछ इससे रिलेटेड वीडियोस या कोई पिक्चर्स वगैरह हम सर्च कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट चला हुआ होगा तो आप इस क्लिपबोर्ड में कुछ भी डालेंगे, ये इंटरनेट के मदद से आपको जो भी पिक्चर्स अवेलेबल होंगी उनको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। जैसे हमने कोई क्लिप आर्ट से पिक्चर उठाई, ये हमारी आ गई। देन स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट का मतलब तो आप खुद समझते ही होंगे। स्मार्ट का मतलब होता है चालाक, बिल्कुल एक
अच्छे से वर्क करने वाला जो कम समय में ज्यादा वर्क कर दे। और स्मार्ट आर्ट का रोल क्या होता है कि किसी भी वर्क को आप उस तरह से शो कराएं कि सामने वाला उसको देख के ही समझ जाए। जैसे कि यहाँ पे स्मार्ट आर्ट की बात करें हम, तो ये कुछ इस तरह के लोगों या इस तरह के डायग्राम बने हुए हैं जिनको बिन बताए मतलब बिन बोले समझाया जा सकता है। जैसे कि हम एक यही ले लेते हैं, या फिर एक इस पार्ट को ले लो, पिरामिड्स वाला, तो ये ले लेते हैं पिरामिड्स वाला। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट वाला जो ऊपरी हिस्सा है ये हम दे देते हैं 45 मीटर, ये दे देते हैं 25 मीटर, इसको दे देते हैं हम 1.5 मीटर। अगर आप इसको समझने लगे या समझाना हो तो इसको आपने बताने की जरूरत नहीं है, इसमें खुद दिख जाएगा कि इसमें तीन पार्ट बने हुए हैं और तीनों के अलग अलग साइज। ठीक है, या अगर आप इनको सेम इक्वेशन साइज में भी रख सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसको आप क्लोज कर दो। फिर ऐसे ही इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लिस्ट में आ जाते हैं साइकिल प्रोसेस। सपोज ये ऑर्गेनाइजेशन ले लेते हैं हम, ये एक कोई संस्था है उसके साथ में, जैसे ये कोई संस्था है साथ में कोई उसका कोऑर्डिनेटर, उसके साथ में जुड़े हुए तीन बंदे। अगर आप इसको बना के चलें तो आपका स्मार्ट आर्ट वाला सिस्टम ऑटोमेटिक बन जाएगा। उसके बाद स्क्रीनशॉट, ये जो पूरी डिस्प्ले है हमारी, इसका हम एक ऐसे ही स्नैपशॉट ले लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं मोबाइल में एक स्क्रीन शॉट होता है, सपोज कोई हमें कॉर्ड्स अच्छा लगे या कोई फोटोज अच्छे लगे तो आप उसको या तो 3 फिंगर से स्क्रीन शॉट ले लेते हैं या फिर उसको साइड वाला बटन प्रेस करके। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर स्क्रीन शॉट लेने के दो तरीके हैं, या तो आप अपने कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन का बटन दाब दीजिएगा, वरना फिर आप इसको स्क्रीन शॉट पर क्लिक करके स्क्रीन क्लिपिंग कर सकते हैं। ठीक है, जितना अपना एरिया लेना है वो आप ले सकते हैं। वो स्क्रीन शॉट आपका इस सिस्टम के अंदर मतलब इस एक्सेल वाली शीट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चार्ट में ये वाला जो इलिस्ट्रेशन वाला पार्ट था, हमने क्या देखा, इस पार्ट के अंदर यहाँ से हम पिक्चर यूज कर सकते हैं, क्लिप आर्ट शेप्स बना सकते हैं। जैसे कोई भी एक्सेल के अंदर हमने शेप बनानी है तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। आपने एमएस वर्ड के अंदर भी शेप वाला ऑप्शन, इंसर्ट के अंदर शेप का ऑप्शन होता है, ऐसे ही इसके अंदर भी है। एमएस एक्सेल के अंदर जैसे ही आप, या एमएस वर्ड भी हो या एक्सेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे भी आप कोई शेप लेंगे वो तुरंत ही इसके ऊपर फॉर्मेट बार एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब आप चाहो तो इसके ऊपर जो भी शेप या कलर या पिक्चर वगैरह जो डालना चाहो डाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इस पार्ट्स के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए जल्दी लेके हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल इटेक कंप्यूटर एजुकेशन में। थैंक यू।